अस्सलाम वालेकुम। आज न्यू एपिसोड के साथ, तो रमदान स्पेशल न्यू एपिसोड। ठीक है, यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है, थोड़ा सा लहसुन काट के डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था। आप कटा हुआ लहसुन नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। फिर मैंने प्याज शामिल कर दी, हरी मिर्च डाल दी। ठीक है, आलू को बॉईल करके रख दिया था, वही कटे हुए आलू डाल दिए। चिकन, श्रेडेड चिकन था वो ऐड कर दिया। देखिए, ये जो रेसिपी है मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी आगे चल के, लेकिन मैं फिर भी बना ली। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। अब थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, तीखा ज़्यादा पसंद है तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मेयोनीज डालना है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेजवान चटनी डाल रही हूँ और हरी धनिया। ठीक है, हरी धनिया से खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो ज़रूर डालिए। इन चीज़ों को डालने के बाद आपको क्या करना है, बस मिक्स करना है, ज़्यादा ऐसे नहीं कुक करना है। तो ये मेरा रेडी हो गया है स्टफिंग, इसको हम साइड में हटा देते हैं। तो अब आपको मैदे में थोड़ा सा पानी, तेल और अजवाइन डाल के गूंद लेना है कि उसका खस्ता पर। तो ये देखिए, मैंने मैदे की लोई बना ली है। तो यहाँ से जो मेरा टास्क था, बहुत ही ज़्यादा मुझे टफ हो रहा था बनाने में, बहुत मुश्किल से बना है। तो ये देखिए, पहले आपको इस तरीके से बेल लेना है, बेलने के बाद इसको आपको स्क्वायर की तरह काट लेना है। तो मैंने चारों तरफ से इस तरीके से काट लिया। अब देखिए, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनता, आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से चारों तरफ से कट लगा लिए। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको यहाँ पे एक साइड में, ठीक है, वहाँ पे इस तरीके से आपको रख देना है। जो ऑपोजिट साइड है उसको आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, बाकी की जो दो साइड है उसको कट लगा लेना है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वैसे ही करिए। एक से दो बार में प्रॉब्लम होगा। एक तो मुझे क्या होता है, मैं एक हाथ में मोबाइल होता है, दूसरा हाथ से मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इस वजह से थोड़ा सा कैमरा भी यहाँ वहाँ हिल रहा है, बट उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आप देखिए, इस तरीके से इसको मैं जो कट की थी उस पीसेस को बस इस तरीके से रखते गई और मेरा कैसे भी करके बन गया। मैंने कोशिश की और मेरा बन गया। अभी आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, जो इसके चारों कॉर्नर्स है उसको आपको अच्छे से पानी से या अपने हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करके थोड़ा सा दबा दीजिए कि वो चारों तरफ से चिपक जाए, कि तलते वक्त फूले ना और खुले ना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तेल गरम करके इसको तल लेना है। तो देखिए, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, इस वजह से मुझे देखना था कि सही बनता है कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई करने के बाद सब कुछ परफेक्ट निकला। और खाने की बात करूँ तो खाने में बहुत ही बढ़िया था और दिखने में तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप भी बनाइए, न्यू रेसिपी है, आइडिया अच्छी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सेव कर लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।